हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की मूवी शुरू होती है और हमें पता चलता है कि यूरोप एक खतरनाक एपोकैलिप्स की चपेट में आ गया है, जिससे बस कुछ ही लोग जिंदा बचे हैं। चारों ओर एक मिस्टीरियस पावर है जो लोगों को खुद को खत्म करने के लिए फोर्स कर रही है, और ये शक्ति पूरी दुनिया में धीरे धीरे फैल रही है। इसके बाद हम बार्सिलोना शहर की एक स्केटिंग क्लब में सेबास्टियन और उसकी बेटी एना को देखते हैं, जो एपोकैलिप्स से बचते हुए यहाँ वहाँ रहने की जगह तलाश कर रहे होते हैं और स्केटिंग करके साथ में कुछ टाइम बिताते हैं। लेकिन तभी उन्हें अचानक एक शोर सुनाई देता है और वो भागने लगते हैं। जब वो कॉरिडोर के पास अचानक मुड़ते हैं तो कुछ ब्लाइंड रॉबर्स सेबास्टियन पर हमला करके उसका खाने पीने का सामान लेकर भाग जाते हैं। सेबास्टियन को जमीन पर एक टूटी हुई बोतल मिलती है और वो अपने बचाव के लिए इसका इस्तेमाल करने का सोचता है, लेकिन एना उसे ऐसा ना करने के लिए कहती है। इसके बाद दोनों अपनी आंखें कवर कर लेते हैं और उस बिल्डिंग से बाहर निकल के देखते हैं कि पूरा शहर बर्बाद हो चुका है। रास्ता गंदा और डेड बॉडी से भरे होते हैं। कुछ दूर चलने के बाद उन्हें एक ग्रुप दिखता है जो अपनी आंखें कवर करके एक रस्सी के सहारे बाहर से जरूरत का सामान लेकर अपने बेस के तरफ जा रहे होते हैं। इसलिए सेबास्टियन एना को छुपने के लिए कहता है, क्योंकि उन्हें अभी पता नहीं होता कि वो लोग अच्छे हैं या बुरे। फिर सेबास्टियन उस ग्रुप से पूछने जाता है कि क्या वो उनके साथ शामिल हो सकता है, पर ग्रुप के लोगों को टेंशन होती है कि सेबास्टियन उनके लिए खतरा पैदा कर सकता है। इसलिए सेबास्टियन बताता है कि वो एक कंस्ट्रक्शन इंजीनियर हुआ करता था। उसे एक जनरेटर का लोकेशन पता है जिससे उन्हें लाइट और इंडोर हीटिंग मिल सकता है। इस बात से इम्प्रेस होकर वो उन्हें अपने साथ शामिल करने के लिए मान जाते हैं। फिर सेबास्टियन ग्रुप के लोगों का पीछा करते हुए एक बस स्टेशन जो कि उनका बेस है वहां जाता है। वहां और भी लोग छुपे होते हैं। लिलियन नाम की एक डॉक्टर सेबास्टियन के घाव का इलाज करती है। बाद में डिनर के दौरान सेबास्टियन की मुलाकात एक ऐसे इंसान से होती है जिसने अपनी सेफ्टी और मन की शांति के लिए अपनी आंखें सील लिया होता है, और वो उन भयानक चीजों की कहानी शेयर करता है कि शहर में कुछ ऐसे भी लोग हैं जो अपनी आंखों पर पट्टी बांधे बिना शहर में घूम सकते हैं, और वो बाकी सबको मजबूर करते हैं उन क्रिएचर्स को देखने के लिए। इन लोगों को शियर्स कहा जाता है। उन्होंने ही उसकी बीवी को मार दिया और इसी डर से उसने अपनी आंखें फोड़ ली। इस दौरान हम नोटिस करते हैं कि एना सेबास्टियन के साथ नहीं होती। खैर, डिनर के बाद सभी लोग बस के अंदर सो जाते हैं और सेबास्टियन को मौका मिलता है। वो चुपचाप इधर उधर भागता है और ऑफिस रूम से सभी चाबियां चुरा लेता है। शोर सुनकर लिलियन जाग जाती है और उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन सेबास्टियन ड्राइवर का दरवाजा बंद कर देता है और कहता है कि वो उन सभी को फ्री करने के लिए ऐसा कर रहा है। जब आखिरकार उसे बस की सही चाबी मिल जाती है तो वो पूरे स्टेशन पर अनाड़ी ढंग से बस चलाना शुरू कर देता है, जिससे बाकी सब लोग जाग जाते हैं और जबरदस्ती दरवाजा खोल के सेबास्टियन को रोकने के लिए उस पर हमला करना शुरू कर देते हैं, जिससे बस पलट जाती है। फिर सेबास्टियन बस से बाहर निकलता है और कहता है कि एंटिटी आ रही है, और इसे वो सुंदर कहता है। पहला आदमी सरप्राइज्ड होकर जैसे ही बाहर देखता है वो तुरंत मर जाता है, और सेबास्टियन देखता है कि कैसे एक लाइट उसके बॉडी से निकल के आसमान के तरफ जा रही है। लिलियन और बाकी लोग अपनी आंखें बंद करके बाहर आते हैं, लेकिन सेबास्टियन तुरंत उन्हें उस क्रिएचर को देखने के लिए अपनी आंखें खोलने के लिए मजबूर करता है, जिससे एक एक करके बाकी बचे सभी लोग मारे जाते हैं। सेबास्टियन उनकी बॉडी से एक ग्लोइंग लाइट को निकल के हेवन के तरफ जाते हुए देखता है। तभी अचानक एना उसके पास आती है और अपने पिता का हाथ पकड़ के कहती है कि उन्होंने जो किया उनके अच्छे के लिए किया, उन्होंने उन्हें बचाया है। यह समझ आता है कि सेबास्टियन उन लोगों में से है जो खुली आंख बाहर घूम सकता है, मतलब कि वो सीयर्स है। यहाँ से शिन 9 महीना पहले शिफ्ट होती है, जब बार्सिलोना पहली बार इस अनजान क्रिएचर के हमले का शिकार हुआ था। सेबास्टियन काम के बीच में था जब उसे अलर्ट के साथ एक कॉल आया, और ऑफिस में लोग पहले से ही बिना किसी चेतावनी के अपना काम खत्म कर रहे थे। सेबास्टियन को न्यूज से पता चलता है कि लोग बिना किसी रीजन के खुद को मार रहे हैं।
उसकी पत्नी उसे एना को स्कूल से लाने के लिए कॉल करती है, इसलिए सेबास्टियन जल्दी सड़कों पर भाग जाता है जहां लोग पूरी तरीके से पोजेस्ट होकर खुद को मार रहे होते हैं। सेबास्टियन किसी भी तरह मेट्रो स्टेशन की ओर भागता है और अंदर वो बहुत सारे घायल लोगों को देखता है। तभी अचानक वहां एक हवा बहती है और चीजें उसके चारों तरफ तैरने लगती है। सेबास्टियन को महसूस हो जाता है कि कुछ तो गलत है, इसलिए वो वहां से भाग जाता है जबकि बाकी लोग उस क्रीचर का शिकार हो जाते हैं। सेबास्टियन फिर सड़कों पर लौट आता है जहां एक बिल्डिंग में ब्लास्ट हो जाता है। इसके बाद वो एना के स्कूल पहुंचता है जहां उसे डेस्क पर एक मरी हुई नन दिखती है और सभी लड़कियां डर के मारे पीछे हट जाती है। सेबास्टियन को एना मिल जाती है और वो एक साथ भागते हैं, लेकिन जब वो एग्जिट तक पहुंचता है बाहर कुछ ब्लास्ट होता है और आग लग जाती है। दोनों स्कूल बिल्डिंग छोड़ने की कोशिश करते हैं और एक फादर से टकराते हैं। फादर का मानना है कि वो क्रीचर एक एंजल है, ये सब गॉड कर रहे हैं, दुनिया का अंत होने वाला है, मानवता को जीवन की सीमाओं से मुक्त किया जाना चाहिए। फादर का ये कॉन्सेप्ट सेबास्टियन को डीपली प्रभावित करती है। इसके बाद सेबास्टियन एना को अपनी जैकेट से ढक के अपने बिल्डिंग की ओर भागता है जहाँ उसे अपनी बीवी नजर आती है, पर भागदौड़ के कारण एना की माँ एक कार से कुचल के मारी जाती है। यहाँ सेशन प्रेजेंट में शिफ्ट होती है। सेबास्टियन और एना एक चर्च में प्रेयर के लिए रुकते हैं और सेबास्टियन एक पेंटिंग को देखता है जिससे कंफर्म होती है कि वो एक शियर्स है जो क्रीचर से इतना पोजेस्ड है कि वो चीजों को देखता है और सोचता है कि उस क्रीचर के थ्रू लोगों को मारने का मतलब है कि वो उनकी आत्माओं को बचा रहा है। फिर जब दोनों सड़कों पर लौटते हैं तो एक लेडी को स्टोर के अंदर जाते हुए देखते हैं। सेबास्टियन उसे मारने के लिए उसके आंखों की पट्टी हटाने जाता है, लेकिन अचानक कुछ डॉग्स सेबास्टियन पर हमला करते हैं और पता चलता है कि उस लेडी के साथ उसका पूरा ग्रुप है और उसके लीडर का नाम है रफा। इसलिए सेबास्टियन डिसाइड करता है कि वो अपने पहले की वो जनरेटर वाली प्लान अपनाएगा और उनके बेस पर पहुंचकर उन सभी को एक साथ क्रीचर के हवाले कर देगा। फिर वो उन्हें जनरेटर की स्टोरी सुनाता है पर वो सब राजी नहीं होते, लेकिन वो लेडी जिसका नाम क्लियर है वो सेबास्टियन की मदद करने के लिए मान जाती है। तभी वहां उन्हें क्रीचर की प्रेजेंस की महसूस होती है, आसपास की चीजें हवा में तैरने लगती है तो वो सब तुरंत वहां से निकल जाते हैं। इसके बाद वो सब अपनी हाइडआउट पर जाते हैं जो कि एक बंकर है और वहां सब लोग सेफ होते हैं। सेबास्टियन ग्रुप को बताता है कि वो अकेला है, पर हम एना को उसके साथ देखते हैं और इसका मतलब हमें आगे जाकर पता लगेगा। फिर रफा सेबास्टियन से जनरेटर का लोकेशन पूछता है तो पकड़े जाने की डर से सेबास्टियन उन्हें बोल देता है कि उसके पास रहने की जगह नहीं है, इसलिए उसने उन्हें जनरेटर के बारे में झूठ बोला था। इस बात से रफा गुस्सा हो जाता है और उनके बीच फाइट शुरू होती है, पर उनके साथ रहने वाली एक जर्मन लड़की सोफिया उन्हें रोकती है क्योंकि वो नहीं चाहती कि कोई और हर्ट हो। फिर एना सेबास्टियन को कहती है कि उसे वो लड़की सोफिया का इस्तेमाल करके उन सभी को बाहर लाना चाहिए। सेबास्टियन जर्मन जानता है, इसलिए सोफिया के साथ बात करके उसे पता चलता है कि वो अपनी माँ के साथ बार्सिलोना घूमने आई थी और जब पहली बार ये सब शुरू हुई थी उस दौरान वो अपनी माँ से अलग हो गई थी और उसने बहुत से लोगों को मरते हुए देखा था। फिर सोफिया बताती है कि उसने एक पहाड़ी कैसल के बारे में ब्रॉडकास्ट सुना था कि उन्हें क्रीचर से बचने के लिए वो महल सबसे सेफ जगह है और वहाँ एक केबल कार के थ्रू जाया जा सकता है। इनफैक्ट उसी महल के तरफ जाते टाइम वो अपनी माँ से अलग हो गई थी। वो महल और उसकी ओर जाने वाली केबल कार की तस्वीर बना के सबको दिखाती है। मौका पाकर सेबास्टियन उन सभी को कैसल जाने के लिए कन्विंस करता है ताकि सब बंकर से बाहर निकले और वो उन्हें क्रीचर के हवाले कर सके। फायदे और नुकसान पर बहस करने के बाद ग्रुप के सभी लोग वहां जाने के लिए सहमत हो जाते हैं इस उम्मीद में कि उन्हें महल के अंदर खाना और सुरक्षा मिलेगी। अगली सुबह सब लोग महल के लिए निकलते हैं और यहाँ फिर से एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जिसमें सेबास्टियन 8 महीना पहले अपनी जीपीएस की आवाज यूज करके एना को हॉस्पिटल ले गया था क्योंकि एना को बुखार थी, पर अचानक वहाँ क्रीचर के आने के कारण सेबास्टियन को बिना इलाज के ही वापिस आना पड़ा था। सीन अब प्रेजेंट में शिफ्ट होती है।
सब लोग रात को आराम करने के लिए एक जगह रुकते हैं और सेबास्टियन दूर से एना को उनका पीछा करते हुए देखता रहता है। एक बार जब सभी लोग सो जाते हैं तो सेबास्टियन मौके का फायदा उठाकर डॉग्स के पट्टी को नुकसान पहुंचाता है। अगली सुबह सड़कों पर उन्हें अचानक क्रीचर घेर लेते हैं और सबको अपने लव्ड वंस की आवाज सुनाती है, जिससे हर कोई कंफ्यूज्ड होने लगते हैं। डॉग्स का पट्टा टूट जाता है और वो क्रीचर को देखते ही भाग जाते हैं। सोफिया सुनती है कि उसकी माँ उसे अपनी आंखें खोलने के लिए कह रही है, लेकिन इससे पहले कि वो अपनी आंखें खोले उनका एक साथी ऑक्टोविया उसे टाइम पर रोक लेता है। इधर रफा अपने डॉग्स को दर्द में रोते हुए सुनता है तो वो अपनी आंखों की पट्टी हटा देता है और क्रीचर से पोजेस्ड होकर वो खुद को मार लेता है। रॉबर्टो उसे चेक करने आता है लेकिन एक पोजेस्ड डॉग उसे काट लेता है। उसी टाइम ऑक्टोविया एक घर ढूंढता है जिसका वो यूज कर सके और अपनी सीटी बजाकर बाकी सबको अंदर बुला लेता है। अंदर इसाबेल रॉबर्टो के घाव की देखभाल करती है। ऑक्टोविया सबको बताता है कि उसे लगता है कि वो क्रीचर एक क्वांटम है जो उनकी इमोशन, पर्टिकुलरली फियर और ग्रीफ को पढ़ने की क्षमता रखती है, इसलिए उन्हें अपने लव्ड वंस की आवाजें सुनाई दे रही थी। अब सेबास्टियन सोफिया के पास जाता है जो कि रो रही होती है। चुप कराने के लिए सेबास्टियन उसे एना की नेकलेस गिफ्ट करता है। इससे एक और फ्लैशबैक शुरू होता है। 7 महीना पहले सीयर्स यानी जो लोग खुली आंख क्रीचर को देख सकते हैं वो सड़कों पर थे। उनका लीडर वही फादर और उनकी फॉलोअर्स लोगों को क्रीचर के हवाले करने के लिए अपनी आंखें खोलने के लिए मजबूर कर रहे थे और सेबास्टियन एना को किसी भी तरह एक बिल्डिंग के अंदर छुपा के बचाने की पूरी कोशिश करता है। इसके बाद प्रेजेंट में सेबास्टियन एना को अपने आसपास देखता रहता है जो कंफर्म करता है कि एना रियल नहीं है, सेबास्टियन की हेलुसिनेशन है। हो सकता है कि वो क्रीचर एना का रूप लेकर सेबास्टियन को अपने कंट्रोल में रख के लोगों को मारने का काम करवा रहा है। फिर एना सेबास्टियन के साथ बात करती है और कहती है कि उसने सोफिया को वो लॉकेट क्यों दिया, वो उसका कोई नहीं लगती, बस एक जरिया है बाकी सबको मारने का। तभी क्लियर सेबास्टियन के पास आती है और उसे याद दिलाती है कि क्रीचर हमारे लव्ड वंस का यूज करके हमें मैनिपुलेट करती है। उसी टाइम एना की स्पिरिट भी सेबास्टियन के साथ बात करती रहती है, उसे क्लियर की बातें सुनने के लिए मना करती है। इसे सेबास्टियन को डाउट होता है। तभी अचानक रॉबर्टो की मौत हो जाती है क्योंकि उसका घाव फैल गया होता है। फिर ऑक्टोविया, सेबास्टियन और क्लियर बिल्डिंग के अंदर कुछ ढूंढ रहे होते हैं। खुली खिड़की वाले कमरे में सेबास्टियन फिर से एना को देखता है और पोजेस्ट होकर ऑक्टोविया को आने के लिए कहता है, ये दावा करते हुए कि खिड़की बंद है। ऑक्टोविया अपनी आंखें खोलते हुए आता है और क्रीचर को देखता है जिससे वो तुरंत खुद को खत्म कर लेता है। इस बार सेबास्टियन ऑक्टोविया के बॉडी से निकलने वाली रोशनी को नहीं देख पाता क्योंकि उसने क्रीचर पर डाउट करना शुरू कर दिया होता है। फिर चीजें हिलने लगती है और एना सेबास्टियन को क्लियर की आंखों पर बंधी पट्टी हटाने के लिए कहती है, लेकिन शुक्र है कि क्लियर उसे टाइम से पहले वहां से खींच लेती है। बाद में बचे हुए लोग शहर से होते हुए महल की ओर बढ़ना शुरू करते हैं। सेबास्टियन हर जगह फादर का बनाया हुआ निशान वाले डेड बॉडीज देखता है और अचानक उन्हें बाइक पर सवार एक सीयर्स का ग्रुप घेर लेते हैं। वो लोग भागने की कोशिश करते हैं लेकिन रॉबर्टो और इसाबेल जो कि कपल है उनके चपेट में आ जाते हैं। बच निकलने का कोई रास्ता नहीं होता, इसलिए साथ मरने के लिए दोनों अपनी आंखों पर बंधी पट्टियां हटा देते हैं और मर जाते हैं। इससे पहले कि सीयर्स उन्हें मार दे वो खुद से ही मर जाते हैं क्रीचर को देख के। ये देखते हुए कि क्रीचर आ रही है, सेबास्टियन क्लेयर और सोफिया को एक सेफ बिल्डिंग के अंदर खींच लेता है। यहाँ क्लेयर को पता चल जाता है कि सेबास्टियन का चश्मा रियल नहीं है, जिसका मतलब है कि वो सीयर्स है और उसने दूसरों को मार डाला। इसलिए क्लेयर तुरंत सोफिया को लेकर भाग जाती है और छत पर पहुंचती है। सेबास्टियन उनका पीछा करता है और एना उन्हें मारने के लिए कहती है तो सेबास्टियन क्लेयर को ऊपर से धक्का दे देता है जिससे वो एक बैल्कनी पर गिर जाती है पर मरती नहीं है। फिर सेबास्टियन सोफिया की आंखों पर बंधी पट्टी हटाने जाता है। हालांकि इससे पहले कि वो इसे उतार सके वो एना को फिर से देखता है और नोटिस करता है कि उसका खून बह रहा है। इससे उसे अपने कर्मों के लिए खुद को दोषी महसूस होता है और सेबास्टियन एना की बात ना मानते हुए सोफिया को गले लगा लेता है। यहाँ एक और फ्लैशबैक सामने आता है। कुछ महीना पहले सेबास्टियन और एना घर में अपना जन्मदिन मना रहे थे, तभी अचानक कोई अंदर आया और सेबास्टियन को बाहर फेंक दिया। होश में आने के बाद वो एना और उसी फादर के साथ छत पर था।
जिन्होंने एना को अपनी आंखें खोलने के लिए मजबूर किया था और एक क्रीचर को देखने के बाद एना ने खुद को मार लिया था। अपनी बेटी को मरते हुए देखने के बाद सेबास्टियन ने भी क्रीचर की ओर देखा था, पर क्रीचर उसे नहीं मारता, उल्टा पोजेस कर लिया था। और तब से वो क्रीचर की भेष में एना को हेलोसिनेट करते हुए लोगों को मार रहा है। खैर, अब प्रेजेंट में सेबास्टियन क्लेयर को बचाता है और उसे एना के बारे में बताता है कि अब वो एना के ख्याल से बाहर हो गया है और उनकी रक्षा करने की कसम खाता है। उसी टाइम फादर अपनी टीम के साथ बिल्डिंग के अंदर घुस जाता है और तीनों छत से भागने की कोशिश करते हैं। फादर का फॉलोअर एक लेडी उनके पीछे आती है और उन पर हमला करती है, लेकिन सेबास्टियन उसे दूर ढकेल देता है जिससे वो गिर जाती है और उसकी मौत हो जाती है। इसके बाद तीनों कार से भागते हैं और फादर उनका पीछा करता है। सेबास्टियन एना को नजरअंदाज करते हुए जितनी तेजी से गाड़ी चला सकता है गाड़ी चलाता है और महल जाने वाली केबल कार स्टेशन पर पहुंचता है। सेबास्टियन फादर को रोकने के लिए नीचे रुकता है और बाकी दोनों को ऊपर केबल कार ऑन करने के लिए भेजता है, पर क्लेयर वो कार ऑन नहीं कर पाती क्योंकि वो दूसरे तरफ से लॉक्ड होता है। नीचे सेबास्टियन फादर के कुछ लोगों को मारता है और कार ब्लास्ट करके उन्हें थोड़ी देर के लिए रोक के रखता है। इधर क्लेयर सोफिया को एक पुरानी सीढ़ी से ऊपर ले जाती है, पर आंखें बंद और टूटी सीढ़ी होने के कारण सोफिया गिरने लगती है, तो क्लेयर उसे टाइम रहते बचा लेती है। आंखें बंद होते हुए ये करना मुश्किल होता है, तो क्लेयर आंखों की पट्टी उतार देती है। तभी क्रीचर वहां आता है और आसपास का एनवायरनमेंट इंक्लूडिंग केबल कार कांपने लगती है। वो क्रीचर उनके जान पहचान वालों की आवाज निकाल कर उन्हें फंसाने की कोशिश करती है, पर क्लेयर अपनी आंखें बंद कर लेती है। इसी बीच ग्राउंड पर सेबास्टियन एना को आग लगी हुई कार से निकलते हुए देखता है और उस पर अटैक कर देता है, पर फिर उसे पता लगता है कि वो एना नहीं फादर है। वो उस पर आयरन रॉड से हमला कर देता है, बदले में फादर भी सेबास्टियन पर हमला करता है और उन दोनों में लड़ाई होती है। ऊपर दूसरे तरफ से महल के लोग बेल की आवाज सुन के केबल कार भेजते हैं और क्लेयर सोफिया के साथ केबल कार में सेफली लैंड करके वहां से बच निकलती है। फादर और सेबास्टियन दोनों एक दूसरे को स्टैब करके मर जाते हैं। मरते हुए सेबास्टियन केबल कार को देखकर अपने दोस्तों के बचने की खुशी में आराम से मौत को गले लगा लेता है। कुछ टाइम बाद क्लेयर और सोफिया कैसल पर पहुंचकर मिलिट्री से मिलते हैं। वो देखते हैं कि वहां काफी लोग रह रहे हैं। सोफिया अपनी मदर से दोबारा मिल जाती है। इसी बीच क्लेयर को कुछ ब्लड टेस्ट के लिए एक लैब में ले जाया जाता है। क्लेयर रिसर्चर से टेस्ट का कारण पूछती है तो वो बताते हैं कि वो कोई ट्रॉमा के केमिकल इंडिकेटर ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं और उन इमोशंस को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं जिन्हें वो क्रीचर टारगेट करती है। वो लोग एक ऐसी एंटीबॉडी बनाना चाहते हैं जो उस क्रीचर के खिलाफ इम्यूनी पावर दे। कुछ टाइम बाद रिसर्चर्स उन एंटीबॉडीज को रैट्स में इंजेक्ट करते हैं और उन्हें कंटेनमेंट रूम के अंदर भेजते हैं, जहां उन्होंने एक शियर को भी बांध के रखा होता है। इसी प्रोसेस के बीच में एक फ्यूचर देखने वाला आदमी भी एक्सपेरिमेंटल सब्जेक्ट में होता है। अचानक से एक भयानक आवाज कंटेनमेंट रूम से आती है और शियर कहता है कि मुझे देखने दो, मतलब कि वो रैट्स की आत्मा को देखना चाहता है जैसे कि सेबास्टियन देखा करता था, या फिर हो सकता है कि रैट्स का डीएनए अल्टर हो गया है और उसके जरिए क्रीचर वहां से निकलने की कोशिश कर रहा है। और ये मूवी यही खत्म हो जाती है।